राम 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 राम। मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव है, मैं एक्सी डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? बाबूलाल। अच्छा, आपका नाम बाबूलाल है। आप कौन से ग्राम में रहते हैं? गोपालपुर। आप ग्राम गोपालपुर में रहते हैं? हमने सुना है कि आप आलू खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कैसे करते हैं? आलू हम 3 बार अकाई करते हैं। हाँ ठीक है। और इसके बाद देसी खाद डाल, फिर अकाई कर, फिर आलू झोरा बना जाता। अच्छा हाँ। अच्छा, सबसे पहले आप 3 बार अकाई करते हो, फिर उसमें देसी खाद डालते हो, हाँ, फिर से अकाई करते हो, फिर अकाई करते हैं जिससे वो खाद मिल जाए उसमें। हाँ, हाँ। उसके बाद क्या करते हो ज़्यादा आप? हम झोरा बनाते हैं, झोरा बना के 1 व्यात की दूरी पे आलू लगाते। अच्छा, झोरा बना के 1 व्यात की दूरी पे आलू लगाते हो, फिर हम इसमें पानी देते हैं। अच्छा, आप पानी देते हो, तो आप पानी का अंतराल क्या रखते हैं? 8-10 दिन के बीच में देते हैं। 8-10 दिन बाद देते हो पानी। आपने दादा जो आलू का अंकुरित बीज बोया है, तो उसमें आपने क्या दूरी रखी है? 1 व्यात। 1 व्यात की दूरी रखी है, तो वो आलू आपने बोया, वो कितने दिनों में हो गया आता है? 12 दिन हो गया। अच्छा, 12 दिन। आपने जो आलू की फसल बोई है, तो आप उसमें कोई से रोग लगे हैं क्या? उसमें लगते हैं। कौन सा रोग लगा है? कारी डंडी पड़ जाती है। अच्छा, जो पौधा रहता है उसकी कारी डंडी पड़ जाती है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? दवाई डालते हैं। दवाई डालते हैं? दवाई दुकानदार दवाई दे दे, इसको डाल देते हैं। अच्छा, दुकानदार आपको दवाई दे देता है, डाल देते हैं। दादा, आपने जो आलू की फसल बोई है, वो पूरी तरीके से कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 3 महीना। 3 महीने में पक के लेस हो जाते। अच्छा, तो आपने ये शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें कितने पानी लगते हैं? चार पानी लग जाते हैं। दादा, आपने जो आलू की फसल की है, वो कितनी जगह में की है? 1 बीघा। 1 बीघा में किया है, तो आपने किस हिसाब से बीज बोया है इसमें? इसमें 4 क्विंटल लग जाता। अच्छा, 1 बीघा में 4 क्विंटल। 4 क्विंटल। दादा, आपने ये आलू 4 क्विंटल बोया 1 बीघा, तो इसका उत्पादन क्या होता है? 1 बीघा में 40 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है। अच्छा, 1 बीघा में 40 क्विंटल आलू का उत्पादन हो जाता है। दादा, आपने जो आलू बोया है, वो कौन सा आलू बोया है? फुलुआ। फुलुआ, ये कौन से महीने में लगता है? अगन कार्तिक के महीने। अच्छा, कार्तिक अगन के महीने में लगता है। और दादा, ये आलू की कौन कौन सी वैरायटी होती हैं? एक फुलुआ और पाड़ी। हाँ, ये कौन कौन से महीने में लगती हैं? फुलुआ लगता है कार्तिक महीना। हाँ, और पाड़ी माह में लगता है। माह में लगता है पाड़ी। हाँ। और बहुत वैरायटी रहती है, मुझे नाम पता नहीं यार। अच्छा अच्छा, आपकी ये वैरायटी है फुलुआ है। हाँ, आप चलो, मैं आलू खेती तैयार की है, देख सकते हो। चलिए। देखो, हमारे आलू ऐसे पड़े हैं, बाजार में बेच सकते हैं खुद का। अच्छा दादा, आप ये आलू बोए हैं, तो आप एक पेड़ में कितने आलू निकाल? एक किलो निकाल। हमारे खेत में आलू लगे हैं, तुम देख सकते हो। हाँ दादा, आपने सही कहा, आपकी आलू की फसल बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त लग रही है। हाँ। अच्छा दादा, आपने हमें आलू की फसल करने की विधि बताई। हाँ। तो आप हमारे किसान भाइयों को इसके लाभ बताएंगे? हाँ, बताएंगे ना, आलू खेती में बहुत लाभ है। 30-40 के अंदाज में कड़ याद। अच्छा, और गेहूँ चना बोए तो 8-10 क्विंटल करते हैं 1 बीघा, तो जहाँ बहुत फायदा है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इसके मुकाबले अगर गेहूँ चना बोएंगे तो वो 7-8 क्विंटल करेंगे। हाँ। तो आलू करेंगे 30-40 क्विंटल। हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा। बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा दादा, आपने हमें आलू की फसल करने की जानकारी दी, इसके लाभ बताए, तो आप हमारे किसान भाइयों को इसका कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसानों भाइयों से मैं कहता हूँ कि आलू की खेती बहुत अच्छी है, उत्पादन अधिक होता है, लागत कम लगती है। सब किसान भाइयों से कहता हूँ कि आलू खेती अच्छी उत्पादन करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सब भाई किसानों से, आलू खेती बहुत अच्छी है, सब करें और लाभ कमाएं। अच्छा दादा, तो आपने हमारे किसान भाइयों को आलू की फसल की जानकारी दी, इसके लाभ बताया और एक अच्छा संदेश दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दादा। राम राम, राम।